शहर की आम जनता को सर्व सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दुर्ग नगर निगम द्वारा वार्डों में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन जमा करा रहे हैं। वहीं पट्टे को लेकर जमा कराए जाने वाले आवेदनों पर हितग्राहियों को कोई भी पावती नहीं दिए जाने पर लोगों ने निगम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग निगम द्वारा निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम द्वारा शिविर के माध्यम से लोगों को सुविधा मुहैया करा रही है। वहीं गुरुवार को दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर के कुछ वार्डों के पट्टा आवंटित और नवीनीकरण के नाम पर शिविर लगाकर लोगों से दस्तावेज सहित अन्य आवेदन जमा करा रहा है, जिससे दुर्ग के पंचशील नगर स्थित चंद्रशेखर स्कूल में लगे शिविर में वार्ड के लोग बड़ी संख्या में अपना अपना आवेदन जमा कराने परेशान होते नजर आए और जिसकी पावती भी हितग्राहियों को मुहैया नहीं किया जा रही, जिस पर भयभीत वार्ड के रहवासी ने इस शिविर पर कई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखे हैं। देखिए क्या कहा वार्ड के भाजपा पार्षद और रहवासियों ने। हमारे नगर परिषद निगम के द्वारा सभी वार्डों के लिए जिसके पास पट्टा नहीं है और जिसका पट्टे का 30 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उसके लिए शिविर के माध्यम से नवीनीकरण और नया पट्टे का आवेदन लिया जा रहा है। उसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, घर का टैक्स और बिजली बिल के माध्यम से सभी को पट्टा देने के लिए यहाँ पे शिविर लगाया गया है। नहीं, पावती वगैरह तो नहीं दे रहे हैं, मोबाइल नंबर वगैरह लिख रहे हैं, फिर सर्वे करने के लिए घर में आएंगे। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे पावती लिया जाए, अगर पावती नहीं रहेगा तो वाक्य सही बात है कि ये गुम होने की आशंका। फार्म जमा हो रहा है ना, वो जमा हो चुका है तो उसका अभी तक पर्चा नहीं मिला पावती, तो क्या करना पड़ेगा? जब ये हो रहा है पट्टा जमा, हाँ हो गया, नहीं मिला था, नहीं नहीं किया हूँ, पूछना चाहता हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहे लोग। क्या बोलते हैं? जमा होगा तब कल बोलते हैं। मैं आया तो पट्टा नवीनीकरण के लिए लगा था शिविर, तो मैं भी अपना फॉर्म जमा किया हूँ, लेकिन पावती वगैरह नहीं मिला है। पावती के लिए मैं बोला तो बोले कि अभी ये पूरा सर्वे होगा, पटवारी आएगा, फिर जाके होगा, वो बनेगा करके, कोई प्रूफ नहीं है उसका, उसको लेकर नहीं बोले आपको। मैं बोला उनको तो बोले कि अभी ये तो सिर्फ मात्र फॉर्म जमा हो रहा है, अभी उसके बाद पटवारी जाएगा, सर्वे करेगा, तब जाके होगा, वो बनेगा करके। मुझे तो ऐसा लगता है सर, ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी डॉक्यूमेंट तो सभी से लिया जा रहा है, मकान का फोटो लिया जा रहा है, आधार लिया जा रहा है, है ना, टैक्स कॉपी लिया जा रहा है, परिचय पत्र, लगभग सभी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, बिजली बिल वगैरह, लेकिन अगर वहां पर जमा किया जा रहा है तो उसका पावती क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई अभी हमारा फॉर्म जमा कर रहे हैं, हमको कल अगर जाना है तो हम क्या लेके जाएंगे, क्या बताएंगे, और कि भाई हमने यहाँ पर जमा किया था, वो तो यही बोलेंगे भैया लाखों फॉर्म जमा है और एक ही नाम के 10,000 लोग हैं, तो कैसे ढूंढा जाएगा? तो उसका एक पावती दिया जाए यहाँ पर कि हम निगम में जाएं और पावती दिखाएं, हमारा तुरंत मिल जाए, या हमको जानकारी हो जाए कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। हमको इस बात का डाउट है कि हमारे जो दस्तावेज जमा हो रहे हैं वो सही उपयोग होंगे कि नहीं होंगे, इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए ना भाई, हमको तो कोई प्रूफ दे नहीं रहे हैं, तो हमको कैसे मालूम चलेगा, बताओ। रसीद वगैरह कुछ दिए? नहीं, रसीद कुछ नहीं दिए। फोटो, बिजली बिल, सरकार ऊपर सब भरोसा करते भैया, सबो जमा करा दस्तावेज जमा किए हैं? हाँ पूरा, नहीं दे रसीद, बोले कुछ नहीं बोले, अभी तो जमा बस कर, अब सब जन बोली सो हम भी जमा करें भैया, पूरा पारा भर के जमा कर। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।